आज फिर दो दिन बाद गौर साहब की ये छुट्टी थी या फिर कहें तो गौर साहब ने मेरे लिए छुट्टी लिख रखी थी। तो गौर साहब बताएंगे कि गौर साहब कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं मुंदागढ़, शानदार जंगल मध्य प्रदेश के 55 आच्छादित क्षेत्रों में से एक। कान्हा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है, एक आप कह सकते हैं कान्हा का बफर जोन है। यहाँ पे शेर भी पाए जाते हैं और रुडयार्ड किपलिंग की जो काल्पनिक कथा है उसका जो बेस था वो मुंदागढ़ पेंच टाइगर रिजर्व की एक जो जगह है। अभी चुनी से 25 किलोमीटर दूर है और जगह का नाम नहीं, क्या मेन रोड में एक जगह पड़ती है, क्या नाम है उसका? कानीवाड़ा से 4-5 किलोमीटर अंदर है अमोदागढ़ और बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं वहाँ पर 2015 में जा चुका हूँ गौर साहब के छोटे गौर साहब के साथ, पर अब दोबारा जाने का मौका मिल रहा है क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करनी है तो मुझे जाना था। और किस्मत इतनी अच्छी और रहेगी कि गौर साहब अभी भी साथ हैं और आज भी साथ रहेंगे जब हम दोबारा ब्लॉगिंग करेंगे। अभी तो फिलहाल जब मुंदागढ़ जा रहे हैं तो उसमें ब्लॉगिंग कर ही रहा हूँ गौर साहब के साथ। तो लास्ट ब्लॉगिंग गौर साहब थे नहीं, ऑफिस में थे। तो ये रोड देखिए आप, ये भी प्रकार से जंगल ही है, जंगल में ही ये बफर जोन ही कहलाएगा तुंगला के। यहाँ शेर भूमा है ये। अच्छा दोस्तों, भूमा में ही गौर साहब कार्यरत हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, तो ये इनका कार्य क्षेत्र है भूमा। धामनों के बाद गौर साहब का ट्रांसफर ही हुआ है भूमा। बहुत ही भूमा में फेमस है क्या, खोवा फेमस है, इसे हम खोया भी बोलते हैं, खोवे की जलेबी, खोवे के बहुत से खोया बोलते हैं। हाँ यहाँ नहीं बोलते, मालवा शायद और भी जगह बोलते हैं। हाँ गौर साहब क्या बता रहे थे आप? मुंदागढ़ में नहीं, ये जगह छुई, ये छुई है सिवनी से 25 मिनट दूर छुई। और आइए हमें दिखाते हैं कहाँ लेके जा रहे हैं। ये पढ़िए, ये विश्व प्रसिद्ध मुगल लैंड है मुंदागढ़, ये पूरा जानकारी लिखी हुई है आपको, तो ये बताना बहुत ज़रूरी था। तो यहीं से हम अंदर जाके 6 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो आप हम लोगों को मुंदागढ़ मिलेगा। तो यहाँ सीधे जो है रोड निकल जाती है मंडला, ये रोड चली जाती है मंडला, ये देखिए। और ये चौधरी कार, और यहाँ से सिवनी है, और यहाँ से फिर हम लोग ये राइट टर्न लेंगे। तो ये राइट टर्न लेने पर ये मुंदागढ़, यहाँ से हम लोग सुंदर टर्न। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए। ये दोस्तों मुंदागढ़ की सड़क है जो कि सिवनी और मंडला के बीच, फिर नाम बोलिए क्या बताया था दोस्तों, छुई से एक जगह है सिवनी और मंडला के बीच पड़ता है छुई। छुई से आप अंदर जाकर 6 किलोमीटर तो पड़ता है अमोदागढ़। और वैसे भी आपने अभी बोर्ड में देख लिया है अमोदागढ़ मुगली लैंड, ये देखिए स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल तो एक गाँव है जहाँ खेती होती है, उसी देर में दोस्तों घना जंगल शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से देखिए कच्ची रोड शुरू हो चुकी है और यहाँ पर रोड भी बनी नहीं है, कारण क्या है नहीं पता, पर ये क्योंकि मेन रोड से लेके आपको यहाँ तक छुई वहाँ तक आपको कच्ची रोड पक्की रोड मिलेगी, सीमेंट की भी यहाँ से कच्ची रोड शुरू हुई है, आसपास खेती भी है। और दोस्तों ये मैं इसलिए वीडियो में पूरा बताता हूँ ब्लॉगिंग करते समय किस रोड में आपको जाना है किस रोड में नहीं जाना है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो डायरेक्ट जितने भी वीडियोज़ बनते हैं उस जगह के वहीं पहुँच के डायरेक्ट हम लोग वीडियो बनाते हैं, ये बताते नहीं हैं कि किस जगह पे आपको जाना है, रास्ता कौन सा है, कहाँ रोड कच्ची कहाँ रोड पक्की है, इसलिए बताना ज़रूरी है दोस्तों। तो ये जो है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ मुड़ना है और कहाँ रोड अच्छी है कहाँ रोड कच्ची है, ये बताना भी ज़रूरी है। बहुत खूबसूरत जगह सुनी के आसपास, इसलिए आपको एक चीज़ बताना, ये जरूर है कि गूगल आपको बता देगा कि भैया हाँ यहाँ जाना है वहाँ जाना है ये रोड है, पर सैटेलाइट से भी अगर आप देखते हो तो सैटेलाइट से भी तक नहीं दिखता है, इसलिए इन वीडियोज़ में मैं आपको बहुत बारीक से बहुत पास से दिखा रहा हूँ।
पर भी यही इंसिडेंट हुआ था। रात में 11 बजे मेन रोड में शनि मंदिर का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग देखेंगे तो शनि मंदिर के पास ही एक शेर मरा है परसों। शाबा का बच्चा था, 1.5 साल का शेर। उसकी रात में ट्रक निकला या बस निकला, उसको रूट क्रॉस कर रहा था, टक्कर पड़ी और वो उसी वहीं खत्म हो गया। शनि मंदिर के पास ही जहाँ से मैं शनि मंदिर गए थे, जहाँ से मैंने नाखून की बॉबिंग की थी। देखिए इतना इतना मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दुनिया में इतने शेर हैं आसपास कि परसों ही कहानी है शेर की डेथ हुई टक्कर लगने। ये देखिए जंगल देखिए आप, जंगल है, नहीं कह सकते आपकी ये अधिकतर शहरों के प्लाजो के इलाके होते हैं ना सुनसान, वो इलाके हैं, वो इलाका नहीं है, ये जंगल है, ये जंगली इलाके हैं। देखिए देखिए यहाँ पर तार लगे हुए, कितने तार लगे हुए हैं, आप समझ सकते हैं कि क्यों लगा के रखे हैं। ये जंगली जानवर भी लगा के रखे हुए हैं तार, ताकि कोई जानवर ना आए, लेकिन आते हैं ऐसा नहीं। और बहुत से आदिवासी भी जंगलों में जाते हैं लकड़ी चुनने के लिए और भी चीज़ों के लिए, जब उनकी गाय भैंस जो भी बकरियाँ चली जाती हैं उनको ढूंढने के लिए। तो ये देखिए आप खुद देख सकते हैं इतना खतरनाक, ये देखिए। और दोस्तों ये भी बता दूं मैं कि हम लोग को शेर मिल सकता है, कोई आश्चर्य नहीं होगा। हाँ बाजा बजेगी हम लोगों की, पर शेर मिल भी सकता है, नहीं गौरव मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता है ना। ये बिल्कुल काना से लगा हुआ कॉरिडोर है, काना पेंच के बीच, बिल्कुल मिल सकता है। तो दोस्तों शेर मिल जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है, यही होगी बाजा हम लोग की बजेगी, जो करेगा शेर करेगा अगर बाहर खड़े हुए हम लोग। कैसे मैं 10-10 मिनट के वीडियो बनाऊं, अच्छी शानदार जगह के 20-25 मिनट की वीडियो बनी जाते हैं। ये देखिए बाढ़ लगी हुई है, इधर खेती होती है और इधर पर ये घना जंगल है। सोचिए पहले गलत इनसे घना जंगल था, जंगली जानवर थे, उसके बाद फिर जब लोग आए, बसाहट हुई, शहर बड़े हुए, तो फिर जंगली जानवर कम हुए, फिर सरकार ने मुहिम चढ़ाई कि जंगली जानवर की सुरक्षा दी जाए, उनकी संख्या बढ़े। अब फिर उल्टा हो गया है 2021-22 में, शायद उससे पहले भी, कि अब जानवर जनसंख्या बढ़ रही है तो आपको शेर यहाँ बहुत मिलते हैं, जैदू तो है ही, शेर भी बहुत मिलते हैं। देव ग्रामीण बैठे चल के हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, आप उस खूबसूरती को देखिए। आपको ये कान्हा मंडला शुरू होता है, मंडला से अगर आप कान्हा पहुँचते हैं तो वहाँ भी ये शहर के अंदर ऐसी रोड नहीं मिलेगी आपको, वहाँ बकायदा रोड मिलेगी आपको, सीमेंटेड डामर की रोड मिलेगी, सीमेंटेड रोड मिलेगी। पर ये जो जगह है सुनी और मंडला के बीच में जंगल है, ये आपको सिर्फ ऐसी कच्ची रोड पर अब पूरा एहसास होगा डर गया शहर का। अभी भी अच्छा लग रहा है।
ये देखिए, ये आप देखिए,